डोईवाला तहसील में कानून को पर विजिलेंस ने की कार्यवाही। 10,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की गिरफ्त में कानून को। डोईवाला तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डोईवाला में विजिलेंस की टीम ने कार्यवाही करते हुए कानून को मोतीलाल को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी 143 की रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। कानून को मोतीलाल को तहसील में गिरफ्तार किया। विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता से मोतीलाल द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है और जमीन के मामले से जुड़ी फाइल के एवज में दो फाइलों के 5,000 रुपए यानी कि 10,000 रुपए और मांगे जा रहे हैं। आरोपी मोतीलाल ज्वालापुर हरिद्वार का रहने वाला है और डोईवाला तहसील में कानून को के पद पर तैनात है। रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद विजिलेंस की टीम ने उनके घर पर भी तफ्तीश की और लगभग 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद विजिलेंस की टीम कानूनगो को देहरादून लेकर रवाना हुई, जहां अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट।